आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस के बारे में, जो कि भाई इस गाड़ी को लेकर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और जो ये टॉपिक है ये भी बहुत ही अलग है। मेरे पास कुछ कमेंट आए थे भाई जिसमें लिखा था कि अगर हीरो की स्प्लेंडर प्लस में कंपनी खुद से डिस्क और ABS लगाकर देगी तो प्राइस क्या होगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर कंपनी खुद से हीरो की स्प्लेंडर प्लस में डिस्क और ABS लगाकर देती है तो आपको प्राइस क्या मिलेगा। बजाज ने हाल ही में बजाज की प्लेटिना 110 में जो है आपको ABS दे दिया है, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है। बजाज की प्लेटिना अब इंडिया की ऐसी इकलौती गाड़ी है जिसमें कि आपको ABS मिलता है और उसका जो इंजन है वो भी काफ़ी छोटा है और कंपनी ने जो उसका प्राइस रखा है वो भी बहुत ही कम है, जो कि वो गाड़ी अब काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप एक कमूटर गाड़ी को परचेस करना चाहते हैं तो भाई आप बजाज प्लेटिना को जरूर परचेस करिएगा, उसमें आपको डिस्क प्लस ABS और आपको CBS सब मिल रहा है, तो भाई वो वैसे भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको गाड़ियों का जो प्राइस है वो कैसा मिलता है, यानी कि जो बजाज की प्लेटिना है उसमें जो आपको डिस्क मिलती है, जो ड्रम का वेरिएंट है, जो ABS का वेरिएंट है, सभी के प्राइस के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि ये सभी प्राइस ऑन रोड होने वाले हैं वो भी लखनऊ के। तो स्टार्ट करते हैं प्राइस को। सबसे पहले बात करते हैं बजाज प्लेटिना 100 ड्रम वाले वेरिएंट के प्राइस के बारे में। ये गाड़ी आपको जो है 71,923 रुपए की एक्स शोरूम मिल जाएगी, जो कि भाई ये 100 CC वाला ड्रम वाला वेरिएंट है और इसका जो डिस्क वाला वेरिएंट है ये आपको मिलेगा 75,941 रुपए का। यानी कि जब कंपनी ने इस गाड़ी में जो है ड्रम से डिस्क वाला वेरिएंट दिया तो आपको प्राइस में 4,000 रुपए का अंतर मिल गया, यानी कि कंपनी को इस गाड़ी में डिस्क लगाने में टोटल खर्च आए 4,000 रुपए। और वहीं आपको बजाज की प्लेटिना एच गियर जो है ये आपको इंडिया में मिलती है 76,320 रुपए की ऑन रोड, और भाई ये प्राइस लखनऊ का है। लेकिन कंपनी ने इस गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे कि आपको इस गाड़ी में जो है 110 CC का इंजन मिलता है, इंजन में आपको 5-speed गियर बॉक्स मिलते हैं और जो गाड़ी का कंसोल है उसमें आपको काफ़ी एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस किए, लेकिन जो इसका डिस्क वाला वेरिएंट है 100 CC वाला ये आपको मिलता है 75,941 रुपए का और जो एच गियर है ये आपको मिलता है 76,320 रुपए का, यानी कि आपको 1,000 रुपए का अंतर मिल रहा है अगर आप 100 CC का इंजन खरीदते हैं या फिर आप खरीदते हैं 110 CC का इंजन, इसमें आपको 1,000 रुपए का अंतर मिल जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं बजाज प्लेटिना 110 ABS के प्राइस के बारे में। बजाज प्लेटिना 110 ABS जो है ये आपको लखनऊ में 78,500 रुपए की ऑन रोड मिल जाएगी, तो भाई आपको इसका जो प्राइस है एच गियर के मुकाबले आपको 2,000 रुपए का अंतर मिल जाएगा। अगर आप एच गियर को परचेस करते हैं तो भाई आपको ABS नहीं मिलेगा, लेकिन एच गियर अब डिसकंटिन्यू हो जाएगी, वो कन्फर्म हो चुका है। बजाज ने अब उसकी जगह बजाज प्लेटिना 110 ABS को लॉन्च कर दिया है, जो कि ये आपको मिलेगी 78,500 रुपए की। अगर आप ABS वाली गाड़ी परचेस करते हैं तो आपको प्राइस में 2,500 रुपए का अंतर मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर कंपनी हीरो की स्प्लेंडर प्लस में ABS और डिस्क लगाकर देती है तो कितने रुपए का खर्च आएगा। अभी आपको हीरो की जो स्प्लेंडर प्लस है सेल्फ प्लस एलॉय और i3S ये आपको ऑन रोड मिलती है 77,500 रुपए की, ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिल जाती है। अगर इसमें कंपनी लगाकर देती है डिस्क और ABS तो प्राइस में आपको लगभग 10,000 से 12,000 रुपए का अंतर तो मिल ही जाएगा। अगर बात करें कि गाड़ी का प्राइस तब क्या पड़ेगा तो भाई ये गाड़ी तब जाकर लगभग 90,000 रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ेगी, जो कि प्राइस थोड़ा सा हाई हो जाएगा। लेकिन वही बजाज की जो प्लेटिना है ये आपको 78,500 रुपए की ऑन रोड मिल जाएगी। लेकिन भाई अगर हीरो चाहे भी कि इस गाड़ी में ABS और डिस्क लगाकर दे दे तो भाई वो 78,000 रुपए के आसपास भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्राइस जो है गाड़ी का वो अभी 77,500 रुपए का है और एच गियर जो है वो आपको मिलती है 76,000 रुपए की, और वहीं जो बजाज की प्लेटिना ABS है ये आपको मिलती है 78,500 रुपए की। तो भाई हीरो चाह करके भी अपनी स्प्लेंडर प्लस में ABS इस प्राइस के अंदर नहीं दे सकता, प्राइस में आपको 1,000 रुपए का तो अंतर मिल नहीं रहा है, आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा ABS में, तो इसका जो प्राइस है वो पहुंचेगा 90,000 रुपए का, तो भाई कंपनी जो है नहीं दे पाएगी, ये इम्पॉसिबल है कि कंपनी इसमें
78,000 रुपए में आपको ABS दे पाए। और भाई मैं किसी भी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आपको हीरो की स्प्लेंडर प्लस में आपको जो है डिस्क और ABS मिलता है तो आपको प्राइस क्या मिलेगा। तो भाई हीरो की ओर से ये इम्पॉसिबल है, पता नहीं भाई बजाज ने कैसे बजाज की प्लेटिना में ABS डिस्क और ये सब कुछ दे दिया, ये भाई मेरे समझ से बाहर है। भाई मैं इस वीडियो में किसी भी गाड़ी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, सभी कंपनियाँ काफ़ी अच्छी हैं, सभी गाड़ियाँ काफ़ी बेहतरीन हैं, हीरो की भी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, बजाज भी काफ़ी अच्छा है, सभी गाड़ियाँ बेस्ट होती हैं, सिर्फ प्राइस का अंतर मैं बता रहा हूँ बस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।